आपातकालीन परिस्थिति की तैयारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर के स्कूल बिल्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनमें इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्स करना है वो समझ में नहीं आता है। तो इसलिए जो ट्रेनिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है स्कूल का, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। इसके लिए इवैक्यूएशन ड्रिल की प्रैक्टिस हर स्कूल में रेगुलर होनी चाहिए। अलग अलग टीम जैसी है, फायर फाइटिंग टीम, रेस्क्यू टीम या फर्स्ट एड टीम, वैसे टीम तैयार होनी चाहिए। स्कूल में फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट है, उपकरण है, वो लगाने चाहिए। The mock drill was very effective. I'm so glad that so many students participated in the mock drill. They got a feeling of what they need to be prepared for. It is very essential not only for our school and college, but I believe for every school, college in this country. जैसे जैसे समय समय से प्रैक्टिस हुई वैसा इवैक्यूएशन ड्रिल का टाइम कम हो जाएगा, सबको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों के लेके, और जो आपातकालीन परिस्थिति में जो इवैक्यूएशन करना है वो अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा, बिना किसी जान माल और के नुकसान से। आई बिलीव दैट दिस शुड बी डन बाय एवरी स्कूल एंड कॉलेज इन बॉम्बे। इट इज वेरी यूजफुल, इट इज एक्सट्रीमली गुड टू ट्रेन अवर स्टूडेंट्स, बिकॉज व्हेन दे गेट दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग दे बिकम लीडर्स। And in a crisis anywhere on earth, this knowledge that they gain over here is going to be valuable to them.